शांति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम पूर्वक। पूज्य गुरुदेव, बहुत लोग नए लोग आए होंगे, गुरुदेव माने स्वामी चिन्मयानंद जी के चरणों में प्रणाम। लुधियाना चिन्मय मिशन के राकेश, गीता, ज्योत्सना जी, अलग अलग और भी डिवोटीज, कृपालीन जी, शायद नाम क्या आपने बताया, ठीक बताया, नागपाल जी, एंड हमारे साथ मेरे साथ आए हुए हैं चार लोग हैं, एंड डॉक्टर राजन जो मिशन के बारे में बताया, संयोग वशतः उन्होंने ये भी बताया चिन्मय तपोवन ट्रस्ट सिद्धवड़ी को प्रेसिडेंट है, जो उन ट्रस्ट के अंडर ही हम लोग सब हैं, पंचकुला, लुधियाना, पटियाला आदि। एंड चिन्मय मिशन पटियाला के प्रेसिडेंट पुष्पानंद चंदा, चिन्मय मिशन पटियाला के पैट्रन डॉक्टर शशि गुप्ता, डॉक्टर राज एंड डॉक्टर शशि गुप्ता दंपत्ति है, पूरा डेडिकेटेड है मिशन के। मेरा 3 साल हुआ, अच्छा हुआ उन्होंने 4-5 साल बता दिया, बढ़िया से, तो जानबूझ के बताया कि कम साल नहीं है हमारे पास, ज़्यादा साल है स्वामी, मगर इतना अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है जैसे मैं 30 साल से हूँ। एंड मैं अधिकार से भी बोल देता हूँ कि मैं लुधियाना ज्ञान यज्ञ जाऊँगा, आप मुझे छोड़ोगे और आप आओगे, तुरंत राजी हो जाओ। अभी डेहराडून गया था, उसमें भी आए थे, तो ये है खासियत है। और राकेश जी, डॉक्टर राजन दोनों मित्र है चिन्मय मिशन के, दोनों डिवोटी जानते हैं अच्छी तरह से, तो आप लोग आए बेहद मेरे साथ, इन लोगों को भी खुशी हुई। और हमारे जो ब्रह्मचारी हैं बल्लभ जी, आप जानते हो अभी यहाँ के इंचार्ज है, बड़े एक्टिव है, जब मैं कोर्स करते थे मैं सिद्धवाड़ी, ऐसे 3-4 बार उनके समय गया, मुझे मौका मिला 2 महीना विवेक चौड़ावनी इन लोगों को लेने के लिए, उस समय बहुत एक्टिव थे, खास मेरे पास आते थे, मेरे प्रति भाव सेवा आदि उनके। और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे उनको टाटा हरिओम कर लेते हैं अभी, तो इसका अर्थ वो कितना एक्टिव है पता चल रहा है। तो अब ज्योत्सना जी ने बड़ा सुंदर भाव से बता रही थी, जब दीप प्रज्वलन हो रहा था, पुष्पमाला दिया जा रहा था, एक सुंदर भाव, एक तो जो माता होती स्त्री उनके कंठ कोमल होता है, उनके कंठ वो सुंदर होता है, भगवान ने इसे दिया है। मुझे पता था कि मेरा बावजूद भी वो आएगा फॉर्म, मुझे पता था, इसलिए फिर आप थोड़ा ध्यान रखें। उन्होंने जो कहा कि मैंने कहा लुधियाना के बारे में कुछ बोलो, उसी बीच में उन्होंने कहा कितना सुंदर है कि भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये एक भारत नहीं पृथ्वी में एक लहर है, तरंग है, एक भावना है। और उसी दौरान यहाँ ज्ञान यज्ञ हुआ और रामचरित मानस का हुआ, और जो मैं प्रसंग बताने वाला हूँ बहुत ही सुंदर है, भावनात्मक है। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा अयोध्या में, हम लोग इतिहास जानते हैं, 500 साल लगा, 1800 उस समय से बाबर आदि जो तोड़ करके किया, 500 साल में कितने लोगों ने त्याग किया, उसे वो याद करते हैं तो आंखों से आंसू आ जाती है। और हम भाग्यवान हैं, हम लोग इसके बाद
भव्य प्राण प्रतिष्ठा देखा हम लोगों ने भाई ऑनलाइन या कोई कोई गए। मैं भी दिसंबर 23 में गया था, जनवरी 22 में, ठीक 29 डेज पहले। एंड उस समय जा नहीं पाए क्योंकि हमारे ही राम मंदिर है पटियाला में, तो हम लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजा किया। मगर मेरे मन में भावना आती थी, तो मैं जनकपुर गया जनवरी 26 में, जनवरी 22 में। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि राममय कितना है, जब हम जाएंगे देखेंगे तो भावना आती है। और इस प्रसंग को जो हम अभी रख रहे हैं, भगवान श्री राम के वनवास प्रसंग है। और ये जो वनवास प्रसंग है उसमें से खास प्रसंग है, वनवास 14 साल हुआ। उसमें ये नहीं कि कई कई के दो वर हैं और दशरथ को आदेश देना पड़ा और भगवान पुत्र रूप में, एक आदर्श पुत्र रूप में गए, पालन किया दो वर, नहीं। भगवान ने एक जन जन में जो लोगों के हृदय को जीत लिया, भगवान ने वनवास में एक भिल्ल के हाथों से झूठे बेर खाया और उसके जो भावना, उसके जो तात्विक, उसके जो रहस्य, ये देखने की चीज है। इसलिए जो प्रसंग हमने चुना है, चयन किया है, वो अभी के जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जुड़ जाता है। देखिए 500 साल इतने दीर्घ काल के संघर्ष के बाद हुआ, अर्थात बलिदान के बाद ही जितना कीचड़ होता है ना उतना ही कमल फूटता है। अब उस दृष्टि से देखो, जब हम इस प्रकार के इतिहास को देखते हैं और उसके बाद रामचरित मानस के भगवान श्री राम के कथा चरित्र सुनते हैं, तब लगेगा कि चरित्र कितना उदात्त है, चरित्र कितना महान है, चरित्र कितना प्रेरणादायी है, चरित्र कितना शिक्षणीय है। भगवान वनवास का मुख्य प्रयोजन है कि लोगों से मिलना है, ग्राउंड लेवल में मिलना। मैं राजनीति की दृष्टि से बोल नहीं रहा हूं, किसी राजनेता के नहीं बोल रहा हूं, मगर अगर छोटा सा भी हम लोग कर ले इसे कि जो ग्राउंड लेवल में कोई को किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप यहां पर सेंट्रा में हो, इतना सुंदर है ये, देख के ही मन विहोल हो जाता है, आनंदित होता है, इतना सुंदर व्यवस्थित है। इसमें भी आप अपना रहते हुए अगर एक एक दूसरे के लिए कुछ कंसर्न कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आनंद दे रहे हो, तो ये राम के शिक्षण का फल है। एक सुंदर प्रसंग हमने चयन किया है, नवदा भक्ति। तो हमारे ब्रह्मचर्य बल्लभ बता रहे थे, स्वामी जी वो नवदा भक्ति जब हम लोगों ने लिखा है, एक दो पूछा है क्या है नवदा भक्ति माने क्या है। रामचरित मानस के 7 कांड है, उसमें से अरण्य कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड। ये जो कांड के 7 कांड के जो पर्याय, जो क्रम है, जो गति है, जो सीक्वेंस है, वो बहुत सुंदर है। भगवान राम के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ है। पहले भगवान श्री राम के साथ देखते हैं। बाल कांड माने भगवान श्री राम के बाल चरित्र वर्णन है। अयोध्या कांड अर्थात अयोध्या में युवराज बनने के लिए घोषणा हो गई। फिर अयोध्या कांड के 2 भाग है, पूर्व भाग और उत्तर भाग, पूर्वांग उत्तरांग कहते हैं। फिर भगवान को वनवास जाना पड़ा। आप देखोगे अयोध्या कांड के 2 जो 2 भाग है, फर्स्ट पार्ट बोल लो इंग्लिश में समझने के लिए, उसमें राम चरित्र मुख्य है, राम नायक है, राम हीरो है,
सेकेंड पार्ट में भरत हीरो है, भरत के बारे में। फिर भगवान आ जाते हैं अरण्य में, वनवास में। अरण्य कांड में अनेक, देखो सुंदर है, नाम भी अरण्य कांड है। एक है अरण्य कांड रामचरित मानस और एक है गीता में रम्य। रण क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं गीता, और भगवान अरण्य कांड में अरण्य क्षेत्र में ऋषियों से मिलते हैं। और उनमें से लगेगा कि ऋषि तो जो ध्यान करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, उनको जाकर के मिलते हैं। और इसका अर्थ है जो बहुत तपस्या करेगा, जो बहुत ध्यान करेगा, उसको ही भगवान मिलेंगे, उसके पास ही भगवान आएंगे ना? नहीं, कोई एक साधारण व्यक्ति है, एक भिल्ली भी है, एक नारी है जो स्त्री है। समाज में ज्यादातर नारी को सेकंड का कैटेगरी में रख दिया जाता है। कहते नहीं, भगवान ऐसे ही महत्ता देते हैं। देखो अभी जो एक भजन बहुत प्रसिद्ध हो जाता ना, राम आएंगे मेरे झोपड़ी में आएंगे, ये कहाँ से आया? उसके जो प्रेरणा स्रोत है सबरी, क्योंकि भगवान को इंतजार करते थे। उस कहानी जब हम जाएंगे तो मैं आपको केवल बता देता हूं नवधा भक्ति माने क्या है, बाकी के चार दिन में हम लेंगे। भगवान खुद नौ प्रकार के भक्ति बता रहे हैं शबरी को, अर्थात हमारे लिए एक साधना है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, नौ प्रकार के भक्ति क्या है। ये बात भागवत में भी है, ये बात गीता में भी है, ये बात अलग अलग ग्रंथ में भी है। तो मुख्यतः इन चार दिनों में रामचरितमानस में भगवान के मुख से, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं भगवान के मुख से, वैसे ही रामचरितमानस भगवान के मुख से सबरी को बता रहे हैं। और लास्ट में तो बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, ये भारत रत्न से और भी कहीं उपाधि जैसे भगवान राम देते हैं सबरी को। तो मैं केवल इतना ही आपको निवेदन करके रखता हूं, आगे बढ़ूंगा। नवधा भक्ति क्या है, क्योंकि आपके मन में एक संशय होगा, जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा भी। ये नवधा भक्ति टाइटल लिखा गया है क्या? भगवान श्री राम ने नौ प्रकार की भक्ति, नौ प्रकार के साधना बताई शबरी को, और ये हमारे जीवन में आवश्यक है। अब देखिए, मैं बता रहा था कांड, अरण्य कांड। एक है तुलसीदास की खासियत है, जो थोड़ा सा साहित्य प्रेमी है, जो थोड़ा सा कविता प्रेमी है, अरण्य कांड के जो चौपाई है रामचरितमानस में, चौपाई और दोहा और छंद सोरठा आदि रहते हैं, जो चौपाई है वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। इसका अर्थ है अरण्य में पगडंडियां हैं, अरण्य में कोई रास्ता नहीं है, चलते ही जाओगे तो झाड़ियां है दी है, यही दिखाते हैं। और अरण्य कांड में अनेक सत्संग मिलता है, माया का भी, माता सीता का भी चोरी इसमें ही होता है। बहुत ही सुंदर अलग अलग प्रसंग है, शूर्पणखा के कथा भी आती है, अर्थात अरण्य में ही मोह मनुष्य हो जाता है, भटक जाता है। जैसे अभी यहाँ कोई भटकेगा नहीं, बीच में से वन वे, बस कोई नया आदमी भी आएगा तो आराम से घुसेगा, अरण्य में से नहीं हो सकता। अरण्य में पता नहीं कहीं झाड़ी है, कोई राक्षस लोग है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, ये दिखाते हैं। मगर भगवान ये सब रहते बावजूद भी सत्संग करते ऋषियों के साथ और सबरी के प्रसंग में। चलिए हम थोड़ा सा प्रसंग में आते हैं। जैसे मैंने बताया अरण्य कांड, भगवान अरण्य कांड के बाद किसकी इंद्रिया का, खुद सबरी को पूछते हैं, खुद भगवान सर्वज्ञ। मगर जब लीला करते हैं ना, तो मनुष्य जैसा लीला करते, विरह के रूप में लीला करते हैं, सब प्रवचन देते हैं, वो तुरंत कह देते हैं, हे सबरी बताओ ना, मेरे अपने पत्नी को मैं हरण जो हो गया ढूंढने के लिए चलो, अभी क्या करो? सबरी हंसती है, प्रभु क्या लीला करते हो आप, ठीक है। पंपा सरोवर के पास एक ऋष्यमुख पर्वत है,
उसमें आप सुग्रीव के साथ आप मित्रता बनाइए, तब तो जाते हैं भगवान। किष्किंध कांड शुरू हो जाता है, क्यों? किष्किंध सुग्रीव और बाली का प्रसंग, कभी मौका मिलेगा तो वो कांड मात्र 30 दोहा है, वो लिया जाता है, उसका अलग अलग रूप में लिया जाता है। जीव से शिव की ओर, एक साधारण जीवात्मा हनुमान हम नहीं बन सकते, लक्ष्मण बनना भी कठिन है, भरत तो क्या कहना है, इतना त्याग मूर्ति, और हम ऑलरेडी सुग्रीव है, हमारे अंदर बहुत कमियां है। सब कुछ मिलने के बाद ही देखना 3-4 महीना बारिश में वो भोग में रहता है, हम लोग भी ऐसे, और फिर भी भगवान उसको अपनाते हैं। कितना सुंदर है, क्यों अपनाते हैं, कैसे, क्या एक छोटा सा गुण है, एक ही छोटा सा गुण है, क्या पता है, वो हनुमान को नहीं छोड़ता है। अर्थात जीवात्मा जितना भी हो, सत्संग नहीं छोड़े, गुरु को न छोड़े, तो जानना उसके अंदर जो खराब गुण है वो ऊपर उठ जाएगा। ये किष्किंधा कांड है। उसके बाद लंका कांड, सुंदरकांड, बीच में सुंदरकांड है, हनुमान जी का चरित्र है, एक भक्त के चरित्र है, एक साधक जो भक्ति के पास जाते हैं भगवान राम का नाम लेकर। सुंदर कांड पांचवा, छठा है लंका कांड। सुंदर कांड में के बारे में वर्णन है, सुंदरे सुंदर राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। अर्थात सुंदर कांड में सुंदर राम के बारे में वर्णन है, सुंदर सीता के बारे में वर्णन है, सुंदर कांड के जो कथा है सुंदर है, सुंदर कांड में क्या नहीं सुंदर है। इसीलिए देखो सुंदर कांड का पाठ होता है, मंगलवार में पाठ होता है, कहीं भी किसी के घर में अगर कोई उत्सव करना है, सत्संग करना है, बस सुंदर कांड पाठ। और माताओं को तो याद है उसको, पूरा टोटल 1.5 घंटा लगता है, और अगर कोई कीर्तन आदि किया, संपुट आदि किया, तो 2 घंटा 2.5 घंटा। सुंदर कांड की महिमा ऐसे भारत वर्ष में, विशेष करके उत्तर भारत में सुंदर कांड की महिमा क्या कहना। इसका अर्थ क्या है, जीवन में सुंदरता आती है जब हम भक्ति की खोज करते हैं। माता सीता की खोज होता है तो सुंदरता तब आती है जब हम भक्ति की खोज कर देते हैं, जब भक्ति की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद लंका कांड, अर्थात हम जब साधना शुरू करते हैं, जैसे अभी आप आओ ना, अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बैठोगे तो देखोगे आपके जो मन में बहुत उत्ताल तरंग आएगा, रावण आएगा, कुंभकर्ण आएगा, तो इसको मारना है। कौन मार सकता है, राम मार सकते हैं, लक्ष्मण मार सकते हैं, सुग्रीव मार सकते हैं, हमारे अंदर ही अच्छे अच्छे गुण है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही लक्ष्मण है, हमारे अंदर ही भरत है, तो ये है लंका कांड। तो भगवान श्री राम का जीवन में लंका कांड हुआ, हमारे भी जीवन में शुरू करो, देखो बाल कांड माने हमारे साधक जीवन में ये बाल्यता प्राथमिक अवस्था, अयोध्या कांड माने हम थोड़ा सा परिपक्व अवस्था में चलते हैं, युवक अवस्था में चलते हैं, अरण्य कांड अर्थात कभी समझ में नहीं आता है। आप सब लोग जानते हो जब हम प्लस टू पास हो जाते हैं मैट्रिक के बाद, कंफ्यूजन आता है, साइंस में जाऊं कि आर्ट्स में जाऊं, कि मैं डॉक्टर बनूं कि इंजीनियर बनूं, क्या करूं, तो समझ में नहीं आता। इसका अर्थ है जीवन में अरण्य कांड है, जब तय कर लिया सुंदर कांड आ जाता है, उसके पहले किसके लिए कांड है, अर्थात हम हमारे अंदर बहुत खराब गुण है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, हम एक हीन भावना है, किसके लिए कांड है, मगर हनुमान जी को नहीं छोड़ा, तो जीवन में वो उतरता है, जीवन में वो उभरता है, जीवन में वो उन्नति करता है, जीवन में वो विकास करता है जो गुरु को नहीं छोड़ता है, विवेक को नहीं छोड़ता है, सत्संग को नहीं छोड़ता है। कथा कहानी भी ऐसी है, किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत में सुग्रीव रहता है, और ऋष्यमुख पर्वत की खासियत क्या पता है, बाली नहीं जा सकता, उसको अभिशाप मिला हुआ है, बाली का अर्थ कर्म, जब सत्संग में रहेंगे कर्म का अभिशाप नहीं पड़ेगा, मृत्यु का अभिशाप नहीं पड़ेगा, अज्ञान का अभिशाप नहीं पड़ेगा, तो हमारे जीवन में ऐसे विकास होता है। फिर सुंदर कांड, और जो खराब खराब गुण है
वो लंका कांड में दूर होता है और लास्ट में आ जाते हैं, बोलो थोड़ा, उत्तर कांड में। अर्थात जीवन एक समस्या है, जीवन एक प्रश्न है। इस प्रकार के साधना जब मनुष्य करता है उसका जीवन उत्तर हो जाता है, इसलिए उत्तर कांड। भगवान ने भी यही बताया कि देखो इस कांडों के माध्यम से मैं जब गति करता हूं अंतिम में उत्तर कांड आता है। सारे कांड प्रश्न, लास्ट है उत्तर कांड। अब जो हमने अरण्य कांड के प्रसंग है उसमें बहुत ही सुंदर है, उस प्रसंग में शायद आपके पास अगर किताब जो श्लोक होता कागज होगा तो बहुत ही सुंदर है। है क्या कागज आपने बनाया? कागज तो थोड़ा सा सबको दे दो। है मुझे एक कागज देना तो मैं पढ़ूंगा देखूंगा कि क्या कौन सा कागज दे रहा। हाँ वेरी गुड, थैंक यू। हाँ बड़े बड़े अक्षर भी लिखा गया है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये जो है ना वो पहला वाला दो पेज है, पेज वन एंड पेज टू नहीं लिखा गया। ताही देई गति राम उदार पहला वाला है, ठीक है उसको हम पढ़ेंगे। आप पढ़ोगे मेरे पास? सब लोग पढ़ोगे ना? इस सबको देना। वो देते समय बीच में मैं थोड़ा सा गाता हूँ भगवान का नाम, आप करना मेरे बाद। श्री राम जय राम जय जय लोग हो, अगर 50 आवाज आएगी तो ये जो लाइट है ना हिलना चाहिए। ये हिल क्यों नहीं रहा है? इसका अर्थ है आवाज जोर से नहीं आ रही और आपको ठंड लग रही है कि अभी तो ठंड कम हो गई है, थोड़ा और भगवान का नाम लोगे ठंड भी चल जाएगी। श्री राम जय राम जय जय सुंदर आसन बैठा
असुरसते सत्संग हुआ, नव ऋषियों में सत्संग वो ले रहा था पांडे में, ज्यादातर अरण्यकांड में ही है सब ऋषियों 6-7, उत्तरकांड में केवल नारद जी आदि है, वशिष्ठ आदि का। कवंद ऋषि को, कवंद जो एक राक्षस थे उसको भगवान ने बध कर दिया। उसके बाद देखना कितना सुंदर लिखा हुआ है, ताही देहि गति, ताही माने उसको, उसको किसको, कवंद को। कवंद को गति देने के बाद, देखो भगवान मारते हैं मगर मारने के बहाने तार देते हैं, इसलिए ताही गति। उन्होंने ये नहीं कहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी कि भगवान ने उसको मारा, नहीं, भगवान ने उसको गति दिया, अर्थात भगवान के हाथ से भी कोई मरता है तो गति प्राप्त करता है। देखो ना इसी पॉइंट को, अभी जो राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रही थी लगभग 2-3 साल से काम कर रहे थे, ये जो मजदूर लोग हैं कहीं बिहार से, कहीं उड़ीसा से, कहीं दक्षिण से, उन लोगों को जब इंटरव्यू हुआ तो कहते थे अभी जब कितना सुंदर हमें लग रहा था, हमको जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो सोचो वो उनके अंदर एक, बस हम राम मंदिर में प्रतिष्ठा काम कर रहे हैं, वो कहते जब हम पत्थर भी तोड़ते हैं तो बस उस समय काम भी करते हैं, हमको केवल एक भावना आती है हम राम मंदिर के लिए, राम के लिए कर रहे हैं। ये विशेषता है, भगवान का नाम लेते ही साधना बन जाती है, और खुद भगवान जब मारेंगे तो वो तारना हो जाती है। इसलिए देखिए, ताही देह गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगु धारा। ये बहुत ही सुंदर रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने एक एक चौपाई में जो शब्द की जो रचना है, शब्द के जो कौशलता संगठन बहुत ही सुंदर है। कहते हैं सबरी के आश्रम, राम और लक्ष्मण चल रहे हैं, सब लोग खुश होते हैं और कहते हैं एक ऋषि है, कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि हूं, अमुक ऋषि हूं, आप आइए। भगवान ने ऑलरेडी जो ऋषियों को मिलना है मिल दिया, अब जिसको जिसको मिलना है रास्ते में मिल लेते हैं। कोई खाने के लिए बुला रहा है, कोई बैठने के लिए बुला रहा है, मगर इस प्रसंग में उनको एक ही लक्ष्य है, मुझे सबरी के आश्रम जाना है। संत लोग बहुत सुंदर कहते हैं ये सबरी के आश्रम कैसे हो जाएगा, ये सबरी है कौन जो भगवान आते हैं। चलिए चौपाई में शब्द के व्यवहार कर उसका, उसके जो गहनता, उसके अंदर जीवंतता बता करके हम सबरी के कहानी बताएंगे। सबरी के आश्रम, ये आश्रम कैसे हो गया, सबरी है कौन, तभी वो आश्रम के यथार्थता पता चलेगा। और एक
शब्द देखिए, ये आपके पास है कागजा, सबरी के आसन पगु धारा, ऐसे पढ़ोगे ना कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये कोई एक गुरु, कोई एक बताने वाला होगा तभी। पगु का अर्थ है पैर, पाद। भगवान के श्री राम के जो पैर है वो तो चल रहे हैं, क्यों जंगल है, उनको तो कोई ट्रेन नहीं पकड़ना है, उनको तो कोई जल्दीबाजी है नहीं। 14 साल है अभी, माता सीता का हरण हो गया, बस इनको ढूंढना है। तो मगर कहते हैं सबरी के आश्रम आने के लिए पगु धारा, अर्थात नदी की धारा जैसे बहती है, धारा कितने जोर से बहती है, रुकती नहीं है, ऐसे भगवान का पैर के धारा बहती है। इसका अर्थ क्या है, भगवान भक्त को, भगवान को पाने के लिए भक्त विवल होता है, भक्त रोता है, भक्त चाहता है कि कितने जल्दी मैं भगवान को प्राप्त करूं, वैसे ही भगवान भी चाहते हैं मैं कैसे प्राप्त करूं, भक्त के पास आओ। चलो थोड़ा सा इधर भी जाइए, दोनों ही हमारे लिए भगवान, कभी राम को हो, कभी कृष्ण को हो, कभी श्याम को हो। भगवान के कृष्ण की क्या शालीन्यता, भगवान के कृष्ण की क्या विनम्रता। युधिष्ठिर को कहते हैं बड़े भैया आप मुझे अनुमति दीजिए ना, मैं एक शांति दूत बन करके जा रहा हूं। भीम मना करता है, नहीं वासुदेव आपको नहीं जाना चाहिए, अपमान होगा, हम लोग वीर हैं, युद्ध करेंगे। ठीक है मझले भैया, आप थोड़ा महाभारत को याद कीजिए, कुछ कुछ डायलॉग हूबहू मैं बोल रहा, कुछ जोड़ के बोलूंगा मगर भाव वही है। मझले भैया आपकी बात सही है, मगर नियम के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, और आपके बड़े भैया हमारे प्रिय धर्मराज है, वो जैसे बोलेंगे मैं करूँगा। तो कहते वासुदेव कभी आप गलत बोल सकते हो, आप जाइए, शांति दूत बन करके आते हैं। भगवान को बांधना चाहता है दुर्योधन, भगवान ने विराट रूप दिखाया झांकी। अभी तो देखा राम की झांकी है और मथुरा अभी बाकी है, ठीक है, तो झांकी भगवान ने दिखाया। कृष्ण मोहित हो गया, उनको बांधना चाहा, ठीक है, भगवान फिर मुक्त हो गए और वो हतप्रभ हो गया, भगवान आ गए। जब भगवान आए तब सब द्रोणाचार्य भीष्म सब लोगों ने कहा कि वासुदेव हमारे घर आइए ना प्रसाद पाने के लिए, भोजन करने के लिए, पहले भोजन करेंगे तभी रहने की व्यवस्था बाद में होगी, रहेंगे तो, क्योंकि वो तो सारथी के साथ आए, रथ पकड़ेगा और तुरंत निकल जाएंगे, और उनको पता है कि पांडवों के शांति दूत बन करके आए, शायद रहेंगे नहीं, फ्लाइंग स्क्वाड जैसे होता है, कोई डेलीगेशन में आता है काम में, काम करके निकल जाता है, वो रहेंगे नहीं, रेस्ट लेने के लिए गेस्ट हाउस में उसके लिए नहीं आए हैं, मगर भोजन के लिए सब बुला रहे हैं। महाभारत में वर्णन है भीष्म बुला रहे हैं, मना कर रहे, हंस लेते हैं, आप नमन्य है, आप पूज्य है, द्रोणाचार्य आप तो मेरे प्रिय पांडव के गुरु हैं, कृपाचार्य सबको सुंदर सुंदर बातें करके मना कर लेते हैं, मगर उनके मन कहाँ है, मुझे विदुर चाचा के पास जाना है, मुझे चाची के पास जाना है, वैसे ही श्री राम। सब ऋषि कहते हैं कि आप आइए, हमारे आश्रम में बहुत सुंदर फल है, हमारे आश्रम में बहुत सुंदर बगीचा है, आपको अच्छा लगेगा। मगर भगवान श्री राम के मन में क्या है, सबरी के आश्रम पगु धारा, धारा जैसे पानी बहती है, इस प्रकार भगवान श्री राम के जो पैर है, जो पग है, जाता है। अब इन्हें ये सबरी है कौन, थोड़ा सा विचार कीजिए, इसकी कहानी क्या है। सबरी एक जंगल के एक भिल्ली कन्या थी, उसके विवाह का समय आ गया है,
एंगेजमेंट को क्या बोलते हैं पंजाब में, और एक शब्द बता रहे थे, और एक क्या बता रहे थे, हाँ रोका, मैं उसमें रुक गया था। क्योंकि आज एक माता जी ने मुझे बताया, स्वामी जी मैं दिल्ली आई हूँ रोका के लिए, मैंने हाँ बोल दिया, फिर बोले समझे कि नहीं, फिर समझाया उन्होंने रोका, ये शब्द मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं रुक गया हूँ, बाकी एंगेजमेंट सगाई हाँ रिंग सेरेमनी सब ठीक है, और रोका इज इंटरेस्टिंग है कि नहीं, हाँ ना तो बोलो, यहाँ पंजाब का भाषा है ना रोका। चलिए तो इस पर रोका की तैयारी हो गई सबरी के, मगर बचपन से कोई भी साधु संत जब आते थे, सोचो छोटी सी लड़की थी दौड़ के जाती थी, दोना समझ रहे हो आप, अभी बताना पड़ेगा कि समझ रहे हो कि नहीं, दोना पत्ते का प्लास्टिक वाला नहीं, यहाँ पे दुना बोलते हैं, दुना हाँ दुना क्या दुना, अच्छा ठीक है जो आपने दुना, ठीक है दोना को दुना, वो दोने में दोना में लेकर के दौड़ जाते थे, कोई फल है स्वामी जी लीजिए, रिसीवर लीजिए, प्रणाम करते थे बचपन से। कुछ कुछ बच्चे आप देखोगे उनको अगर मत्था टेकने के लिए बोलोगे तुरंत कर रहे थे, और कुछ लोग को बोलोगे करो बिल्कुल करेंगे नहीं, क्योंकि वो दुर्योधन का ही वंशधर है, और कुछ कुछ लोग हनुमान के वंशधर है, लक्ष्मण के वंशधर है, भरत के वंशधर है। हमारे परिवार में खुद आप हो, खुद आपकी पत्नी हो, खुद आपकी बहू हो, खुद आपके भाई हो, कौन से वंशधर से आया है ऐसे व्यवहार से पता चल जाएगा। बचपन से उसकी आदत है, वो करती थी, युवा हो गई, रोका हो गया, अभी शादी है। 350 इस वाल्मीकि रामायण में कथा है, तुलसीदास जी में नहीं है, उन्होंने इतना लंबा होकर के लिखा नहीं, और वाल्मीकि रामायण तो मूल है, खुद वाल्मीकि ने देख करके लिखा है, उनको सब पता है। 350 बकरियां लेकर के आए सबरी के पिताजी, क्योंकि विवाह है भोजन होगा, तो सबरी बड़े सरल भाव से पूछा पिताजी ये सब बकरियां क्यों लेके आए, अरे तेरी शादी है ना, बारात आएंगे, दूल्हा आएगा, बारात में बहुत लोग आएंगे, 500-600 लोग आएंगे, इसलिए उनके लिए हमने इतना बकरियां मंगाई। तो देखो उसके अंदर संस्कार है, पढ़ी लिखी नहीं है, गुरुदेव कहते हैं वी आर एजुकेटेड बट वी आर नॉट कल्चर्ड, वो एजुकेशन नहीं है उसके पास मगर कल्चर है। कहते पिताजी आप इतनी बकरियां ले रहे हो ना, बताइए एक विवाह जो है ये कल्याणतमम कि विपत्तितमम, माने जो विवाह है कल्याण रूप है, आनंद रूप है, मंगलदायक है कि अमंगलदायक है, विवाह एक मंगल है, अगर विवाह मंगल है इसी विवाह उत्सव में ये बकरियां 350 बकरियां आप लाए हो मारने के लिए, मारोगे उनको खिलाओगे ये तो मंगल है, ये तो जीव हत्या है। तो पिताजी ने उसको डांटा, गलती तुम्हारी मेरी ही गलती, तुमको जो मैंने सब छोड़ दिया तुम घूमती गई इसीलिए, डांटी बोली नहीं ऐसे रहे तो मैं विवाह नहीं करूंगी, माँ बाकी बोल दिया। तो लड़की जो विवाह नहीं करूंगी बोल देते हैं पिताजी माताजी को कितना दुख होता है, मुश्किल होगा आपको, कहने लगी माँ, समझाने लगी, कितना सुंदर कहानी समझिए, ये हम लोग नहीं जानते सबरी के बारे में, माँ समझाने लगी, पिताजी गुस्से हुए, बकरियों के सब व्यवस्था करने लगे खाने के लिए, ये क्या किया, अंदर रह गई घर के अंदर, अब रात हो गई, नेक्स्ट डे विवाह है, आदि सब व्यवस्था होगी, अब
पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण। अभी हम कठोपनिषद समझा रहे थे, यथा कर्म यथा श्रुतम वर्णा, पूर्व जन्म के कर्म और ज्ञान से मनुष्य को मिलता है जन्म। ये बार बार फोन आ रहा है, पूर्व जन्म तो प्रश्न का सबरी का पूर्व जन्म क्या है? प्राग ज्योतिषपुर आसाम में एक राजा थे, सत्ययुग की बात है। आसाम गुवाहाटी दिशपुर न क्या राजधानी है, वो एक जगह है। तो वहां पर एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। रानी के अंदर सत्संग करने की बहुत ही प्रेरणा, बहुत ही इच्छा रहती थी, और राजा बहुत स्ट्रिक्ट थे। सोचते मेरी रानी बहुत सुंदरी है, मेरी रानी कॉडल में रहनी चाहिए, किसी के साथ में भी ना मिलने देते थे ना राज घराने में लाने के लिए करते थे। उसके मन में बहुत दुख था, मैं रानी हूं, सब कुछ मुझे सुविधा है, और मैं सत्संग नहीं कर पा रहे, मैं भगवान का नाम सुन नहीं पा रहे। देखो रुक्मणी बचपन से ही पुराण में पंडितों से सुन सुन कर कृष्ण को प्यार करने लगे। कहा है उसने जो पत्र लिखा, मैं आपको प्यार बचपन से कर रहे हूं, आपके बारे में मैं पुराणों में पंडितों के द्वारा सुन रही हूं, इसीलिए। इसी प्रकार ये महारानी जो रानी है, उनको कोई मौका नहीं मिलता था सत्संग में। एक दिन कुंभ मेला, अभी कुंभ मेला माघ मेला चलता है, अभी कुंभ मेला भी 2025 में भी है। कुंभ मेला जब प्रयागराज में हुआ, तब राजा सब अपने अपने पुराने जमाने से चलता था, सब राजा अपने छावनी रखते थे, अपने शिविर करते थे। तो राजा ने आदेश दिया, रानी तुम जाना चाहते हो? बहुत खुश हो गई, कहाँ गुवाहाटी में पहाड़ के इलाका में है, कोई साधु आते हैं तो मौका नहीं मिलता है, प्रयागराज में साधु ही साधु हैं, गंगा के किनारे प्रयाग है, गंगा यमुना सरस्वती है, कितने सुंदर है, खुश हो गए। गई तो, और राजा ले रहे हैं क्यों? अपने भोग के लिए। राजा ले रहे हैं क्यों रानी को? अपने के लिए। यस मैं आया हूँ, बहुत राजा के साथ मिलेंगे, तो रानी भी आई है करके कोई मना नहीं करेंगे कि रानी क्यों नहीं आई। ले आए, सत्संग चल रहा है माघ मेला में, उसी समय ऋषि भरद्वाज आदि सब ऋषि, फिर भी नहीं छोड़ा उन्होंने। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया, क्या फायदा इस रानी हो करके अगर मुझे सत्संग नहीं मिल रहा है, प्रयागराज जैसा तीर्थ है, तीर्थ राज है, नहीं मिल रहा है। तो सर रात आधी में, आधी रात में ठीक 12 बजे अपनी जो छावनी है, ये मद्यपान करके भोग करके सोए हुए हैं, खेल कसरत करके थके हुए हैं राजा, धीरे से निकल गई और सोचा प्रयागराज के जो संगम है, उस संगम में मैं जल समाधि में आत्महत्या कर दूंगी। और सचमुच वो किया इसे आत्महत्या। वही क्योंकि राजघराने की थी, क्षत्राणी थी, आत्महत्या करने के कारण ही नीच जन्म होता है, इसलिए सबरी के रूप में जन्म हुआ। अर्थात सबरी के पूर्व जन्म क्या था, वाल्मीकि जी बता रहे हैं, एक सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी, एक राज रानी थी, आत्महत्या करने के कारण सबरी बने। मगर उनके अंदर एक तमन्ना, एक वृत्ति, एक भावना थी, क्या? सत्संग करो, सत्संग करो। इसलिए बचपन से ही संत मिल लेते थे, उनको देती थी कुछ, और सत्संग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। समझ में आ गए? तो अभी मैं उसकी शादी के बारे में बता रहा था, रात आधी है, तो पूर्व जन्म की तो आदत है, यही पूर्व जन्म में रात 12 बजे निकल गई थी आत्महत्या करने के लिए। अभी निकली और आत्महत्या करने के लिए नहीं, अभी इस अन्वेषण में जो मेरे कमियां थी राज घराने में, अभी मैं कमियां नहीं होने दूंगी। मगर हालांकि मुझे भिलनी कन्या मिली, हालांकि मुझे जाति भिलनी की मिली, शायद कोई समाज के दृष्टि से
मुझे ग्रहण न करे, मगर कहीं ना कहीं कोई एक बिरला गुरु तो मिलेगा जो मुझे मंत्र देगा और भगवान का मैं दर्शन करूं। देखा कि एक प्रसिद्ध मातंग ऋषि है, बहुत दूर अपने गांव से निकलते निकलते जंगल जंगल के छोर में, जंगल में ही बसती थी वो जो ये जो भील राजा, और उसे निकल गई बहुत दूर जाते जाते देखा कि मातंग ऋषि के आश्रम है। अब आश्रम के एक नियम है, आश्रम में अनेक ब्रह्मचारी रहते हैं, अनेक सन्यासी रहते हैं। साहस नहीं हुआ कि कन्या कोई युवा कन्या और भीलनी कन्या को ग्रहण करने के लिए, इसलिए रात 3-4 बजे वो घुसती थी। उस समय ऐसे आश्रम का दरवाजा बंद, सिक्योरिटी आदि दरवाजा आदि तो था नहीं, सब खुला। जब कहीं छोटा से पर्ण कुटीर में संत सोते थे, उनके दरवाजा के पास, उनके बरंदक में, उनके पास में झाड़ू करते थे और फूल रखते थे। कुछ दिन के बाद चले ऐसे कौन ब्रह्मचारी है जो इतने सेवा कर रहा है। बाद में उन्होंने आकर के धीरे धीरे देखा, बिना सोते हुए, तो जानला की भिलनी है। पूछा, है कौन? वो डरने लगे, माफ करें, आपके महिमा में जानता जानते हो, आप मतंग ऋषि है, आप श्रेष्ठ है, मुझे माफ कीजिए। तो खुश हुए, उन्होंने एक झोपड़ी बना के दिया और कहा, मैं तो चली जा रहा हूं, मैं तो भगवान का दर्शन नहीं किया, मगर मैं राम राम करते करते चला गया हूं, मैं वहीं पर दर्शन करूंगा, मगर ये राम मंत्र मैं तुझे दे रहा हूं, यही गाते रहना, एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएंगे वो राम। पूछा उन्होंने, गुरुदेव आप चले जाओगे, कब आएंगे राम? कौन है ये राम? भगवान का अवतार को कब हुआ है? कभी नहीं हुआ है। अभी दशरथ के शादी नहीं हुई, सोचो तो, दशरथ के शादी नहीं हुई, उसी समय चले गए मतंग ऋषि। सबरी यंग है, युवती है, उस समय राम मंत्र दिया और कहा कि जरूर आएंगे वो, कब आएंगे थोड़ी सी कहानी बता दिया। दशरथ राजा अयोध्या के, ये कहाँ है? दक्षिण में पंपा सरोवर के पास, कर्नाटक में है, केरल कर्नाटक के बीच में, सबरी मल्लाई जो बोलते हैं, यहीं पर है पंपा सरोवर में, कितने दूर है। और मगर मतंग ऋषि को पता है, तो उन्होंने कहा दशरथ शादी करेंगे 3 रानियां, उसमें से कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, 3 शॉर्टकट बताया, इसमें से भगवान का अवतार होगा, भगवान फिर विवाह करेंगे और भगवान वनवास जाएंगे, भगवान के जो अर्धांगिनी है, सीता है, पत्नी है, उसका हरण हो जाएगा, खोजते खोजते तेरे पास आएंगे। बस इतनी बातों को वो रोज क्या करते थे, सवरी साफ करते थे, बुहार करते थे, फल रखते थे और सोचते थे आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगा, राम आएंगे, राम आएंगे, है ना, तो ये है मेरे झोपड़ी में आएंगे, ऐसे इंतजार करते थे, यही सबरी। इसीलिए सबरी के आश्रम, जहां भगवान आते हैं ना वहां आश्रम, जहां कोई साधक साधना करता है वही आश्रम है। कोई ऋषि होगा मगर साधना नहीं करता होगा, पॉलिटिक्स करेगा तो वो आश्रम नहीं होगा, वो फिर राजनीति का केंद्र बनेगा। जहां कोई भी हो साधना करे, भगवान को पुकारे, वो आश्रम है, तब भगवान भी आ जाते हैं भगधारी। इतना तक हमने बताया, अब सबरी ने क्या किया, देखो कितना सुंदर। सबरी देख राम गृह आए, भगवान आ गए करके जब देखा, मुनि के वचन समझ जिया भाए। क्या मुनि के वचन है, मैंने थोड़ा सा इंगित किया था, कल फिर बताऊंगा, आज इतना ही रहने दे, समय हो रहा है, कल के लिए मैं केवल कह रहा हूँ, ठीक 6:30 बजे आप आएंगे और मॉर्निंग हम, हमारे जो चिन्मय मिशन है, कौन सा क्वार्टर है, हेजल, हाँ ये दे दो बांट दो, ये वहाँ पर आइए 8 बजे से 9 बजे तक मॉर्निंग, सुंदर हॉल है, और वहाँ मैं मेडिटेशन 15 मिनट सिखाऊंगा, आजकल बहुत मेडिटेशन बहुत जरूरत है। उसके बाद रमण महर्षि ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है,
वो मैं ग्रंथ 30 श्लोक है वो मैं पढ़ाऊंगा। 4 है कर्मयोग, भक्ति योग, हठ योग, ज्ञान योग। ये 4 योग है, 4 दिन है, समय 8 से 9 जरूर आइएगा। अभी कल से लेकर के और 4 दिन 15, 16, 17, 18 4 दिन 6:30 से 8 आज केवल हम जल्दी समापन करते हैं क्योंकि यहाँ फंक्शन है, बच्चे लोग कुछ करेंगे प्रोग्राम, मगर कल ठीक 6:30 से 8 आइए। और मॉर्निंग जो आना चाहते हैं 8 से 9 आएंगे। अभी एक रामायण के आरती दिया जा रहा है उसमें है तो आप ले लीजिएगा। और कौन आरती करेंगे? अनीता जी। अनीता श्रीमती अनीता नेहरू जी, टू कम फॉरवर्ड फॉर द आरती। जल्दी करो।